वेट करो, साइन ज्वाइन करिएगा, ऑन कर दे। ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ମେସେଜ ପଠେଇଛି, ଆଉ ପିଲା ବି ଜଏନ୍ କରିବେ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। BCOC 137 ନା? ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କଲ୍ ବି କରୁଛି ଏବେ। ଓକେ। हाँ, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है बच्चों? हेलो, प्लीज रेस्पॉन्ड। एम आई ऑडिबल? यस हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? सर, ओके, ठीक है। क्लासेस तो ज़्यादा नहीं मिलेंगी, और शायद दो ही मिलेगा, उसी हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो ये है BCOC 137, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, है ना? नाउ थिंग इज दैट कि इसको ना पूरा डिटेल में तो जा तो नहीं सकते हम लोग दो क्लासेस में, क्योंकि आज एक क्लास और 27 को एक क्लास है। सो आई वुड रेकमेंड हम लोग करो क्या, नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास, डाउट जो भी हो रहेगा हम देख लेंगे। आज मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ तुम लोग को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से, एंड हाउ शुड यू गो थ्रू। ओके, एंड आई एम प्रिज्यूमिंग दैट कि आप लोग को अकाउंट्स का नॉलेज होगा पहले से, है ना? कैन यू प्लीज टेल मी किन किन लोगों का अकाउंट्स का सही से, थोड़ा थोड़ा बहुत सही होता है अकाउंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा परफेक्ट होता है, बट किन लोगों का सही होता है थोड़ा बहुत। सर मेरा सही है। हाँ सही है तुम? ओके, सो ठीक है, यही करते हैं हम लोग कि आज जो भी होता है देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से क्या कैसा है। जिसका भी नहीं हो रहा है आई विल प्रोवाइड। हाँ हाँ जी, हाँ बोलो, लीजिए। सर, हम लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो नहीं हुआ है, अच्छा, नहीं हुआ है तो तो इस एग्जाम के बारे बार में। हाँ, तो हम लोग एग्जाम कब होने वाला है? फर्स्ट ईयर का भी नहीं हुआ एग्जाम। वो तो पता नहीं चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, 1 मिनट। हाँ क्रिस, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं एक क्लास में हूँ 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, हाँ, इसमें करना क्या है तुम लोग को ना,
कंपनी अकाउंट से बहुत लेंथी टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूमस कोर्स है। इसको क्या करना है, तुम लोग को तुम्हारे बेटरमेंट के लिए बता रहा हूँ, जितना हो सके नोट्स बना लेना है इसका। ओके, बुक फॉलो करना चाहते हो, बुक भी फॉलो करना, कोई सा भी ऑथर का भी सही है, हनी मुखर्जी बेटर बुक रहता है, रिकमेंडेड बुक है। अगर क्वेश्चंस वहां से कर पाओ तो और अच्छा है। और क्वेश्चंस ना देखो बच्चों क्या होता है ना, बताओ क्वेश्चंस अगर शॉर्ट हो, ओके अगर शॉर्ट टाइप हो, मतलब मान लो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए तुम लोगों को क्या चाहिए के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ओके, इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए तुम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए नोट्स बनाए बनाए रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत हेल्प करते हैं। ओके, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो, जैसे कि थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन हो या तुम्हारा प्रैक्टिकल भी हो, जहां से जो भी कर रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमेशा प्रैक्टिस ही होता है, भले वो थ्योरी का क्वेश्चन हो भले वो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हो। वाह, तो उसी के हिसाब से पढ़ना। क्लासेस बहुत लिमिटेड है, लास्ट क्लास तो शायद कम्युनिकेट नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ जितना भी हो सकेगा, और लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी। हाँ, कंपनी अकाउंट्स कॉर्पोरेट अकाउंट्स वही बात है इसका। अगर हो सकेगा, अगर कोई मतलब सीरियसली पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो और कुछ जॉब वॉब में नहीं हो और कुछ एंगेजमेंट एंगेजमेंट में नहीं हो, तो इसको ना एक हनीफ मुखर्जी करके एक राइटर है, दो राइटर है, मोहम्मद हनीफ एम समथिंग कुछ मुखर्जी, उनका एक बुक कर सको तो वहां से सॉल्व बहुत अच्छा रहता है। नाउ कंपनी अकाउंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स लेना जो जहां पे जो भी चाहिए होगा, और स्क्रीनशॉट लेने से पहले मेरे को बता देना कि हम ले रहे हैं बोल के, है ना, मैं थोड़ा पॉज कर दूंगा। नाउ देख लो क्या है, अकाउंटिंग, वन मिनट, हाँ हाँ तो अकाउंटिंग में क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारे फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसके अंदर और एक पार्ट है, कंपनी अकाउंट्स। ओके, नाउ कंपनी अकाउंट्स में होता क्या है, इट कंटेन्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स। ये मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? यस सर, अगर मैं बोलूं कि इन टोटल उनमें से जितने भी सिक्योरिटीज और स्टेक होल्डर्स हैं, अगर इस हिसाब से तुम लोग जानोगे तो इसको और अच्छे से तरीके से समझ पाओगे, जो भी है जितना भी है ना। कंपनी का मेन काम तो नहीं है ना, कि कंपनी का मेन काम क्या है, मतलब मान लो कोई भी कंपनी, जैसे जियो का काम क्या है, जियो का काम है उसका टेलीकम्युनिकेशन देना, टेलीकम्युनिकेशन देना। ओके, लेकिन ये जियो तो अपना टेलीकम्युनिकेशन जितना भी जो भी हो रहा है वो तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें और एक पार्ट है, जियो एज ए कंपनी उसके भी बहुत सारे फाइनेंशियल फाइनेंशियल
फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कहाँ से पूरा करेगा? दो सोर्सेस ही रहते हैं, ज़्यादा सोर्सेस नहीं रहते, या तो इक्विटी है वरना डेब्ट है। इक्विटी के अंदर जो भी आता है हम उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। डेब्ट में तुम लोन्स ले सकते हो, और हम यहाँ जो पढ़ेंगे उस हिसाब से, मैं लोन को नहीं लेता हूँ, हम हमारे टॉपिक के हिसाब से लेते हैं, डिवेंचर्स। ओके, इन सब के बारे में ही हमको पढ़ना है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ओके ठीक है, पहले कुछ प्रिलिमिनरी जानते हैं क्या है? इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, एंड प्लीज कंफर्म करो कि ले लिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। डन ओके ओके ठीक है, देखो यहां से भी लेना है तो ले लो, ये वाला पार्ट लेना। ठीक है, नाउ पहले जो है ब्लॉक वन में जो है कंपनी के बारे में जाना, थ्योरी क्वेश्चन बहुत आते हैं यहां से। ओके कंपनी का मीनिंग क्या है ना, तो उसमें इसमें तो सारे आएगा, यूनिट वन में सारा कुछ कवर कर लेगा। नाउ पहली पहले बात है जनरल इंट्रोडक्शन, कंपनी के बारे में जो जो भी इंट्रोडक्शन देना रहता है हम देखते हैं कि करते। और एक बात बच्चों, अगर तुम लोग कर पाओ तो बहुत ही अच्छा होता है, कंपनीज एक्ट 2013 से तुम अगर कोई भी मीनिंग लिख रहे हो, उसको अगर डिफाइन कर रहे हो, मान लो शेयर को डिफाइन कर रहे हो, शेयर कैपिटल को डिफाइन कर रहे हो, किसी को भी डिफाइन कर रहे हो, तो उसका ना सेक्शंस मेंशन कर देना, ये कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शंस। आई होप तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट शायद पढ़ चुके होगे फर्स्ट सेम सेम में, तुम लोग का थर्ड सेम है ना? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट सेम में अगर तुम लोग पढ़ चुके होगे कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि एक एक्ट में क्या क्या रहता है, चैप्टर्स रहते हैं, सेक्शंस रहते हैं, उसी के हिसाब से ना सेक्शंस के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस रहते हैं। स्टार्ट कोटिंग सेक्शंस, इट विल बी बेटर फॉर यू, है ना? तुम लोग अगर सेक्शंस कोट करोगे तो मार्क्स थोड़े ज्यादा बढ़ ही जाते हैं। टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, पढ़ पाओगे आराम से, उतना तो कर लेना। नाउ क्या क्या है थोड़ा देखते हैं, यूनिट वन में मैं सारा यूनिट्स आज ही कवर करवा देता हूँ, कहाँ पे क्या है, कैसा है, कितना पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ। सेकेंड क्लास में थोड़ा सा 27 तारीख वाला क्लास में थोड़ा बहुत देख लेंगे, जो भी तुम्हारा डाउट्स रहेगा, है ना? तो हम ऊपर से डिस्कस करना पड़ेगा, हमको अंदर नहीं जा सकते हम लोग। 5 यूनिट है यूनिट वन। ओके अच्छा, ये तो ब्लॉक वन है ना? अच्छा, ब्लॉक्स बहुत सारे हैं। हाँ, तो ब्लॉक वन में 5 यूनिट है, इंट्रोडक्शन, शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इशू एंड रिडेम्पशन और डिवेंचर्स। नाउ कंपनी का मीनिंग तो पढ़ना ही है तुम लोग को। ओके ये वाला पार्ट दिस वन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ओके ए कंपनी फॉर्मड रजिस्टर्ड अंडर ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनी लॉ बहुत पहले भी बहुत सारे रह चुके हैं, इससे पहले वाला 2013 से पहले और एक था 1956 वाला, उससे पहले भी ये 1913 वाला बहुत सारे एक्ट थे। तो हमको इतना सारा कुछ जानना नहीं है, हमको बस ये जानना है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो फॉर्म हुआ है और रजिस्टर हुआ है उसको हम कंपनी बोलते हैं। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन, एलक्यू लिख दे रहा हूँ, यहाँ से पता लगा लेना। लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला चीज, स्पेशल फीचर्स, इसको इसमें और कैसा कैसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल फीचर्स, एसेंशियल्स, ये भी आ सकता है, मेन फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ? कैरेक्टरिस्टिक्स
हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स वाला नेचर जो भी वो तो आएगा ही। इसको ना कंफ्यूज मत करना, दो क्वेश्चंस अलग अलग हैं। हाँ एक क्वेश्चन आता है कि फेशियल फीचर्स ऑफ कंपनी, ओके ये एक अलग क्वेश्चन है। और बहुत अगर तुम्हारा दुर्भाग्य तो और एक क्वेश्चन आना, एक आता है कभी कभी आ जाता है, सेलियंट फीचर्स और सलाइंट फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट। ये अभी आना बंद हो गया है, अभी ज्यादा नहीं आ रहा है, फिर भी आ जाता है कभी कभी। जैसे 2013 में जब एक्ट बना था ना, तब पहले पहले ये बहुत आता था ये वाला क्वेश्चन कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या नया नया है, क्या ज्यादा क्या अच्छे फीचर्स आए हुए हैं पुराने एक्ट से। ये तो अभी नहीं आ रहा और ज्यादा, फिर भी थोड़ा देख लेना, कहीं से पढ़ लेना, नेट से हो सके, कहीं बुक से हो सके, कहीं से हो सके देख लेना थोड़ा। और ये तो स्पेशल फीचर्स हम पढ़ेंगे ही अभी, है क्या वॉलंटरी एसोसिएशन सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तुम लोग को ये 11th 12th में भी पढ़ाया जाता है कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देन सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इन द आईज ऑफ लॉ इट हैज गॉट ए सेपरेट एंटिटी, इसका अलग से एग्जिस्टेंस है ना। ये अपना खुद का एसेट ओन कर सकता है, इसके खुद के लायबिलिटी हो सकते हैं, इट कैन परचेज होल्ड एंड सेल एसेट, है ना, सेल प्रॉपर्टीज, ये वाला इट कैन होल्ड परचेज एंड सेल प्रॉपर्टीज, इट कैन ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम। हाँ इन टोटलिटी देखने जाएं तो लॉ के सामने इसका एक एंटिटी है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है ना। एंड वाई वी आर यूजिंग सेपरेट, इट्स बिकॉज कि जब भी कोई सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता है, जब भी कोई छोटा बिजनेस होता है, वहां पे क्या होता है कि यू विल सी दैट इफ द ओनर डाइज द बिजनेस ऑल्सो डाइज, है ना। ओनर के साथ हम लोग, जैसे देखना आपने लोकेलिटी में कहीं पे भी कोई रेडी वाला लगाता हो, कोई गोलगप्पे वाला लगाता हो, तो संतोष गोलगप्पे वाला ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन कंपनी ब्रिटानिया कंपनी कब से है, कितने शेयर होल्डर्स आ चुके हैं, जा चुके हैं, मर चुके हैं, किसी को मतलब नहीं है। वो उसका लीगल एंटिटी अलग है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर्स, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये ना ये वर्ड्स ये बताऊंगा, शेयर होल्डर्स इसको इन लोगों क्या बोल सकते हैं, हम लोग ओनर्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स एटसेट्रा भी बोल सकते हैं नाउ। तो सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, लिमिटेड लायबिलिटी, इन लोग का लायबिलिटी कितने तक लिमिटेड है, जितने तक अनपेड अमाउंट रहता है, ये वाला मैं बताऊंगा, मेरे को थोड़ा बाद में याद दिलाना, लिमिटेड लायबिलिटी किस हिसाब से होता है। शेयर बताऊंगा तब मैं बताऊंगा इसका क्या है। देन परपिचुअल सक्सेशन, वही वाला जो अभी बताया बता रहा था मैं, इंडिविजुअल मेंबर आए जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, मरे बचे कुछ मतलब नहीं है इन लोग को, मतलब कंपनी को, कंपनी जैसा है वैसे ही सक्सीड करता जाएगा परपिचुअली। ओके नाउ कंपनी, हमारा जो कंपनी है वो एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके तो हाथ पैर नहीं है, तो ये साइन कैसे करेगा। ये अगर इसको कुछ ऑथराइज करना है तो ये कैसे करेगा, इसके लिए ये यूज करता है क्या, कॉमन सील, इट इज यूज्ड टू ऑथराइज टू सिग्नेट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, है ना। यहां देख लो, एज यू नो दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट साइन इट्स नेम एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट बाई इट सेल्फ। तो ये क्या करता है, किसी को भी किसी चीज को ऑथराइज करने के लिए अपना सिग्नेचर देने के लिए कॉमन सील यूज करता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पब्लिक, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज बताऊंगा अभी, तब और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि पब्लिक कंपनी में कैसे हम लोग शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं किसी कंपनी में 20,000 का हिस्सा खरीदा हूँ, शेयर खरीदा हूँ, तो मैं अपना शेयर बेच सकता हूँ किसी और को भी। ये किस प्रोस्पेक्टिव से बताया गया है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर 10 लोग पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आना चाहता है, तो ये 10 ही लोग हाँ बोलेंगे तभी वो नया पार्टनर आएगा, वरना आ नहीं सकता। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में हम अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हैं, कोई भी नया आ सकता है, कोई भी पुराना जा सकता है। सेपरेट प्रॉपर्टी हुआ ना, मेंबर्स के अलग प्रॉपर्टी,
कंपनी का अलग। कैपेसिटी टू सू, सू मतलब क्या? फाइल ए केस। ओके, कैपेसिटी टू सू और बी सूड, इसके नाम पे भी। जैसे मान लो तुम हल्दीराम का कुछ खा लिए और तुम्हारा पेट खराब हो गया, तुम जाके केस कर लो, किसके नाम पे करोगे? यू डोंट नो द शेयर होल्डर्स, यू डोंट नो द ओनर्स, यू विल फाइल ए केस, यू विल सू द कंपनी। वैसे ही है ना, तो कंपनी खुद भी सू कर सकता है, कंपनी के नाम पे भी केस डाला जा सकता है, सू किया जा सकता है। ओके, प्लीज टेल मी, इतना तो सही सही जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो अरे बोल दो। यस सर, जी जी ओके जी सर, जी सर, यस ओके, ठीक है, रुको, मैं तुम लोग को काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट। यहीं से ही करना पड़ेगा, मेरा तो कहाँ गया, मुझे याद नहीं हो रहा। हाँ आ गया, मैं इसके लिए डायग्राम कर दे रहा हूँ, उसी के हिसाब से करेंगे। अगर हम प्रॉपरली देखें कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ओके, ये काइंड्स ऑफ कंपनीज तो बहुत सारे होंगे इसमें, है ना, लेकिन अगर हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखेंगे तो कितने टाइप्स हैं मैं बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत कम है, मैं थोड़े सारे बता दे रहा हूँ जो भी। हाँ हाँ सही है सही है सही, ए बी सी, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, ओके। हाँ देखो क्या है कंपनी, अच्छा कंपनी, ये टाइप्स बताने से पहले मैं और एक चीज बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। कंपनी में जो भी कैपिटल होता है ना, कैपिटल बहुत बड़ा होता है, एंड ये बड़े कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं, और ये हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम्हारा हिस्सा बोलने से क्या बोलते हैं? अरे इंटरेक्टिव रखो, गलत होने से भी चलेगा। शेयर शेयर वेरी गुड, शेयर होते है ना, तो ये जो कैपिटल का छोटा सा हिस्सा हम उसको क्या बोल रहे हैं, शेयर, और ये जिसको, ये शेयर जो होल्ड करता है हम उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। वेरी शेयर होल्डर गुड, है ना, तो इतने ही है कहानी। इसी के ऊपर अभी हम लोग देखते हैं किस किस टाइप की कंपनी बन सकता है, ये थोड़ा याद रखना। ओके, शेयर इज द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, कहीं पे लिखना है तो लिख लो, शेयर इज द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। है ना, यहां से भी कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे बता दूंगा मैं। ठीक है, देखो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होता है, इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स। हाँ ये सुनो क्या है, अब ना कंपनी का शेयर कैपिटल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक शेयर का वैल्यू मान लो 100 रुपए है, कितने 100 रुपए, मतलब एक शेयर अगर तुम खरीदोगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 100 रुपए। अब जब तुम शेयर खरीदने जाओगे वो तो एक साथ 100 रुपए नहीं मांग भी सकता है, मान लो वो तुमको मांगा पहले 20 रुपए, जब तुम अप्लाई किए शेयर दो हमको बोल के,
फिर वो जब कंफर्म किया कि हाँ तुमको शेयर अलॉट हम कर रहे हैं, तब मांगा 30 रुपए और बोला भाई हम बाद में 25 25 रुपए हम आपको कॉल करके मांग लेंगे, हम खुद ही आपको मांगेंगे, कॉल करेंगे, आप ला के हमको दे देना। लेकिन जिस दिन आपको अलॉट होगा ना, उसी दिन ही आप ये 100 रुपए के ओनर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? ओनर बन जाओगे। नाउ अब मान लो तुम एप्लीकेशन मनी दे दिए, अलॉटमेंट का पैसा दे दिए, वो पहला कॉल भी मांगा दे दिए और कंपनी गया डूब, तो होगा क्या? अब तुमको देना पड़ेगा 25 रुपए, तुम्हारा ये लायबिलिटी है। और ये जो 25 रुपए था ना, ये तुम्हारा अनपेड अमाउंट था। ये क्या था? अनपेड अमाउंट था, इतना तुमने नहीं किया हमारा। ओके, तो लायबिलिटी मीन्स व्हाट? हमको पता है एन सॉरी एनी अनपेड ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो ये 25 भी तुम्हारा क्या है? लायबिलिटी है। और देखो जब तुम अकेले बिजनेस चलाते हो, अगर बिजनेस डूबता है, अगर बिजनेस का सारा कुछ बेच बाच के भी अगर तुम दे नहीं पाते हो तो घर से लाके देते हो, तो वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना भी अनपेड अमाउंट था उतना ही तुम्हारा लायबिलिटी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे इसको? के द लायबिलिटी इज लिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी। बोलो समझ में आया पूरा लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? आया कि नहीं रे? जी जी सर, समझ आए। हाँ ओके, आगे देखते हैं क्या है और। हाँ तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी है ना, तो ये भी एक अलग टाइप का एक कंपनी है। ऐसे कंपनी तो मेरे को तो याद नहीं है एक दो नाम, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ क्या होता है, सुनो। होता क्या है कि अगर मान लो तुम किसी कंपनी में ओनर बने, वो लोग बोले सर आप ना हमको पैसा मत दो, है ना, बाकी जितने भी थे बोले आप हमको पैसा मत दो, बस ये आपको आप हमको गारंटी दो, अगर कल जाके कंपनी बंद हुआ, हमारा जो कंपनी होता है, अगर कंपनी आगे जाके वाइंड अप हुआ मीन्स क्लोज हुआ, तो आप एक रकम देंगे, आप एक अमाउंट देंगे, और आप अभी इसको क्या करो, गारंटी दो। दैट कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी। ना अब तुम्हारा लायबिलिटी कितना है? तुम्हारा लायबिलिटी है जितना भी तुम लोग तुम गारंटी दिए थे, है ना? आया समझ में लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी क्या है? यस ओ सर। नाउ अनलिमिटेड कंपनीज। ओके, अनलिमिटेड कंपनी मतलब वही नॉर्मल बिजनेस वाला है हिसाब किताब, अगर जितना भी है मार्केट में उधारी उतना देना पड़ेगा। कंपनी डूबा, क्या हुआ नहीं हुआ पता किसी को मतलब नहीं है। अगर कंपनी का 20 करोड़ का बन रहा है लायबिलिटी, तो तुम्हारा शेयर में कितना है, गारंटी कितना दिए थे, मतलब नहीं रखता यहाँ पे। अगर 20 करोड़ है तो 20 करोड़ है तो अपने हिस्से में जितना आएगा उतना तुमको पे करना पड़ेगा, भले अपने पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो जाए। अनलिमिटेड इसको ना इसको ऐसे हिसाब से डिफाइन करना, जब भी हम बोल रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं भी सुनोगे ना अनलिमिटेड लायबिलिटी, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर ओनर विल बी लायबल। बहुत सिंपल सिंपल से लिखवा रहा हूं, इसको हो सके तो कहीं पे लिख लो।
विल बी लायबल। ओके, और देखते हैं आगे। इसको अगर कहीं से लेना है तो स्क्रीनशॉट ले जाओ बच्चों, यहां से लेना तो ले लो। आगे बढ़े, इसका लेना है तो ले जाओ। तुम लोग का ऑनलाइन भी नहीं हुआ क्या एग्जाम? ऑनलाइन एग्जाम हुआ क्या तुम लोग का? नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। इस एक्चुअल में बस ना टेंटेटिव एक डेट शीट निकला हुआ है जहाँ की फ़रवरी से दिखा रहा है एग्जाम, पर पता नहीं होगा या नहीं, फाइनल नहीं है कुछ, और वो भी नहीं पता चल रहा है कि ये एग्जैक्ट, फर्स्ट ईयर, एग्जैक्ट ये डेट नहीं फर्स्ट निकली ईयर। वो। एक्चुअल मैं भी ना थोड़ा बिजी रह जा रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है सेंटर में। हमारे यहाँ पे जो है सेंटर के है उनके साथ में बात नहीं कर पा रहा हूँ, पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। देखिए हाँ सर प्लीज, नेक्स्ट क्लास में बात करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को ये भी नहीं पता चल रहा है कि इस बार फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है या फिर सेकेंड ईयर का, क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। नहीं, पहले अगर फर्स्ट ईयर का ना हो के कैसे सेकंड ईयर में आएगा? वो लोग पहले निकालेंगे ना हाँ फर्स्ट ईयर का, अगर प्रमोट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, या ऑनलाइन करवाएंगे एग्जाम ऑफलाइन करवाएंगे, देयर विल बी हाँ ए नोटिफिकेशन ठीक उसका है सर, आएगा आप अलग से। इस बात में बात करके हमको बताएंगे नेक्स्ट ईयर। देखो मैं अभी एक्चुअली मैं हूं नहीं, जो मेरा सेंटर है ना, मैं वो सेंटर जिस स्टेशन में जिस टाउन में, मैं वहां पे हूं नहीं है ना। पहले पहला क्लास हुआ नहीं बोल के आई एम ऑन हॉलीडेज, बट आई एम टेकिंग द क्लास। फिर भी देखते हैं, अगर मैं कांटेक्ट कर पाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है सर, है ना? ओके सर। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या आगे। अनलिमिटेड कंपनीज हो गए। हाँ, अब हुआ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। एक बात है ना, इसमें मैं भी जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ बच्चों को, समझते हैं कि सर ये कैसा डेफिनेशन है कि प्राइवेट कंपनी मतलब तो प्राइवेट कंपनी का इसको तो दे दिया, पब्लिक कंपनी मतलब क्या? कि पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, है ना? इसका कुछ डेफिनेशन कैसे नहीं दिया रहता है, सब पूछते हैं। इसका भी जवाब सुन लो, क्या है, क्यों ऐसे मतलब इसको डिफाइन किया गया है, बता दे रहा हूँ तुमको। अगर तुम लोग कंपनीज एक्ट देखोगे अच्छे से, तो कंपनीज एक्ट में क्या है डेफिनेशन, एक सेक्शन है मोस्ट ऑफ द सेक्शंस, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में सेक्शन 2 जो होता है उसमें डेफिनेशंस रहते हैं। तुम अगर कोई भी सेक्शन, कोई भी मतलब निकालो एक्ट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स हो, चाहे वो और कोई क्रिमिनल सेक्शन मतलब क्रिमिनल एक्ट्स हो, मेजर क्रिमिनल एक्ट्स हो, या सिविल मतलब कुछ भी एक्ट्स हो, जो भी एक्ट्स हो, वहां पे सेक्शन 2 में ही रहते हैं डेफिनेशन। तो इसमें भी सेक्शन 2 में भी डेफिनेशन है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में क्या है, प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखा गया है। और 71 में क्या है, पब्लिक कंपनी के बारे में लिखा गया है। तो वो लोग प्रिज्यूम क्या करते हैं, जो पढ़ रहा है ना सेक्शन, तो वो पहले तो सेक्शन 61 गो थ्रू, सेक्शन सब सेक्शन 68 ही गो थ्रू करेगा, वो लोग यही सोचते हैं। तो उसी के हिसाब से क्या बोला गया है कि सेक्शन 68 में जो प्राइवेट कंपनी लिखा गया है, अगर उस फीचर को कोई पूरा नहीं कर रहा है तो वो पब्लिक कंपनी है ना? उसी हिसाब से लिख दिया गया है। अगर तुम लोग चाहो तो पब्लिक कंपनी के बारे में और भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। इट्स नॉट ए प्राइवेट कंपनी, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज 5 लाख रुपीज एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं बता रहा हूँ, देखो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या, अगर कोई कंपनी उसके शेयर्स ट्रांसफर का राइट रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो, मतलब तुम अगर शेयर खरीदे हो उस कंपनी से, तो तुम अपना शेयर कहीं पे आगे बेच नहीं सकते अनरेस्ट्रिक्टेडली। तुमको रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा, अगर सब हाँ बोले तब बेचोगे, अपने मनमानी से तुम बेच नहीं सकते। फर्स्ट, सेकेंड, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू 50। ओके, तो ये तो 50 नहीं है अभी, तो ये 200 हो चुका है। पहले 50 था, ये पुराना सेक्शन का है शायद।
जितना याद है मेरे को। हाँ अभी ये 200 हो गया है, और लिख लो। मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 200 कर दिया गया है। मिनिमम मेंबर्स हम बता रहा हूँ, देखो मैक्सिमम। ओके, अगर वन पर्सन कंपनी है मिनिमम एक मैक्सिमम एक, अगर प्राइवेट कंपनी है मिनिमम दो मैक्सिमम 200, हाँ और अगर पब्लिक है तो मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, राइट। ओके अच्छा मेरे को बताओ, कोई सीए कर रहे हो क्या तुम लोग? तुम लोगों में से कोई सीए कर रहे हो? कर इंटर है इंटर इंटर ग्रुप 1 खत्म हो गया है। मेरा अभी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फाउंडेशन फाउंडेशन है है ना, बिल्कुल सही। जी। ठीक है देखते हैं आगे। तो तब तुम लोग को तो बहुत इजी होगा रे, तुम लोग को टेंशन नहीं है ना, बाकी अच्छे से पढ़ो। ये सब कुछ तो पढ़ चुके हैं, इंटर में तो खत्म हो चुका है, ये सब लॉ में भी था और अकाउंट्स भी खत्म हो चुके हैं। ओके, एक्चुअली आई वॉज परसुइंग सीएमए 7 ईयर्स एगो, 8 ईयर्स एगो, तो थोड़ा दिक्कत हुआ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था इसमें इंटर में, फिर फाइनल में दे नहीं पाया घर की प्रॉब्लम की वजह से, मैं फिर आके लेक्चरशिप करने लगा। तो दैट्स वाई, अगर कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो मेरे को पूछना, है ना। ठीक ओके है ओके, देखेंगे वो बात करने बाद में। डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तुम लोग ना जहां पे भी तुम लोग डिफरेंस देखोगे, ये अच्छे से पढ़ना, कहां कहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, हाँ। और एक बात है, एक बार हमारे साथ ऐसे हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था जॉइंट स्टॉक कंपनी, बच्चे कंफ्यूज हो गए छोड़ के चले आए। कंपनी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस क्या बोल गए, दो तीन बच्चे छोड़ के जा गए थे। हमेशा रखना कंपनी जो है उसको ज्वाइंट स्टॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स का जो भी कैपिटल है वो स्टॉक ज्वाइंटली रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। डिफरेंस बिटवीन जेसी एंड पार्टनरशिप, और एक कॉमन है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यहाँ पे आ सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख ले रहा हूं, प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय प्राइवेट कंपनी, ये थोड़ा सर्च करके देख लेना। तुम लोग का कोई ग्रुप ग्रुप नहीं है ना? ग्रुप होता तो मैं छोड़ देता ये सब, फिर भी थोड़ा देख लेना। प्रिविलेजेस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, ओके। देन इसमें इसमें कोई ज्यादा मतलब 30 मार्क आने वाली बात नहीं है, वही है कंपनी एक्ट 2013 है, ये पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। इट इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट, रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट तो नहीं है ये, सॉरी ये है इंडियन, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932, नाउ इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है, इसको देख लेना। इसमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, चार स्टेजेस होते हैं, चार स्टेजेस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें दिया गया है चार स्टेजेस, नहीं दिया गया, बता दे रहा हूँ क्या है फॉर्मेशन के चार स्टेजेस। ओके, इतने तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, जो लोग रेगुलर नहीं भी पढ़ रहे हो तुम लोग पढ़ना शुरू करो रे, और गो थ्रू करो, जहाँ पे भी जो भी डाउट होगा आई विल शेयर माय नंबर, आराम से पूछ लेना मेरे को। और 1 मिनट, और जो भी सीए परसू कर, जैसे कौन कौन कर रहे हो मुझे पता नहीं चला, लीजा लीजा और मोनालिसा ना, ठीक है। तुम लोग ना, तुम लोग का तो है पहले से, तुम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हो, जो भी है जैसा भी है तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करो, तुम लोग का अच्छा हो जाएगा। और जो लोग पहले से एक्वेंटेड नहीं हो इसके बारे में, तुम लोग को प्रैक्टिस करना ज़्यादा पड़ेगा, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करो।
टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है, और बात ये है ना, म्यूट कर दो बच्चे। हाँ, और एक दिक्कत क्या है कि कंपनीज लॉ और कंपनीज अकाउंट थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि समझना पड़ता है बहुत सारी चीजें, खास करके कंपनीज। इतना कुछ है नहीं, जैसे तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में हजार टाइप के अकाउंट्स पढ़ते हो, इसमें नहीं है। इसमें बस एक और क्या मैसेज क्या है क्या? ओके, वन मिनट। एक मिनट में थोड़ा ले लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। ऋतिक रोशन, ऋतिक सिंह, वन मिनट। ठीक है, मेरे पास है अभी नंबर्स, हो सकेगा तो ग्रुप ग्रुप क्रिएट कर लेना, मेरे को पूछना जो भी है। हाँ, और एक बात है, क्योंकि टाइम लगेगा, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइप्स की चीज़ें हैं। और एक बात क्या होता है इसमें, यहाँ पे दिक्कत और भी है क्या, अकाउंट्स में ज़्यादा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होगे, जैसे हायर परचेज या पार्टनरशिप, बहुत अलग अलग टाइप के हैं अकाउंट्स, बहुत वैरायटी के ट्रांजेक्शंस हैं। अकाउंट्स में ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, आप लोगों को गोल्डन रूल पता है, मॉडर्न रूल पता है, ट्रांजेक्शन पता है, तो खत्म, उसके आगे कुछ जानना नहीं है, उसके बाद तुम्हारा अकाउंट्स होते ही जाएगा। लेकिन ना, इसमें एक दिक्कत नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें ट्रांजेक्शन के वेरिएशन ज्यादा नहीं है, वही शेयर बेच रहा है, वही शेयर खरीद रहा है, वही सब हो रहा है ना, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, वही वही चीज में, अंदर 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 चीज में बहुत सारी चीजें हैं। देखते हैं क्या क्या, अभी देखो। वो चार स्टेजेस क्या है मैं लिखा दे रहा हूँ थोड़ा, और वही चार स्टेजेस के हिसाब से थोड़ा पढ़ना। ओके, इसमें ज़्यादा डिटेल में तो हम जा नहीं पाएंगे अंदर अंदर, फिर भी जो हो पा रहा है मैं कर दे रहा हूँ। ओके, लेट मी राइट इट डाउन। जो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी होता है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है मेरा? यस फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में चार स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रोमोशन स्टेज। कंपनी बना ही क्यों था? क्योंकि इंसान के पास आइडिया था, पैसा नहीं था, है ना? पैसे की दिक्कत, रिसोर्सेस की दिक्कत की वजह से जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो उतना सब बनता है। जैसे किसी के पास, जैसे मार्क जुकरबर्ग, उसके पास आइडिया था लेकिन पैसा नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं यार, जैसे अभी फिलहाल डिलीवरी जो एक क्या बोलते हैं, कुरियर सर्विस है, उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों के पास सब है, लेकिन दे वॉन्ट टू गेट बिगर, दैट्स वाई दे आर कन्वर्टिंग देयर फॉर्म और देयर कंपनी दे पब्लिक कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसे आए बोल के। तो इसी हिसाब से ना, तुमको अपना आइडिया प्रोमोट करना पड़ेगा, तुमको बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के बाद, उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तुम लोग को सारे, मतलब जैसे पांच सात पांच छह जो मिल के तुम लोग को पता चला कि हाँ यार, हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि जितने भी रिसाइकल प्लास्टिक है वहां से हम लोग फुटवेयर बनाएंगे, है ना? तो ऐसा कुछ सोच लिए तुम लोग, आइडिया तो मिल गया तुम लोग के पास, है पूरा कुछ वो सारा जो भी है, लेकिन उसको ना, उसको तुम पैसे कैसे अट्रैक्ट करोगे? यू हैव टू प्रोमोट योर बिजनेस एंड यू विल बी कॉल्ड प्रोमोटर्स, है ना? इसमें वही सब होता है, आइडेंटिफिकेशन बिजनेस होता है, रिटेल्स इन्वेस्टिगेशन होता है, आर्टिकल्स, मेमोरेंडम्स, जितने भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब हम बनाते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल्स लोग को हम लोग अपॉइंट करते हैं, सीएस, सीएमएस, लॉयर्स, जितने लॉयर्स को अटॉर्नीज भी बोलते हैं, है ना? एंड उसके बाद तुम लोग रजिस्ट्रेशन के फेज में जाओगे। नेक्स्ट तो क्या है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज।
सब बोलते हैं ना इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का मतलब मीनिंग सेम है। अगर मैं लिटरली बताऊं, कॉर्प मतलब ना बॉडी, जैसे पावर से एम्पावर होता है ना, कॉर्प से क्या होता है, इनकॉर्पोरेट मतलब एक आइडिया को, एक मतलब एक थॉट को तुम लोग एक बॉडी बनाए, आर्टिफिशियल बॉडी बनाए। और रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रजिस्टर में नाम लिखाना, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। कौन से रजिस्टर में, कौन से रजिस्टर में, जो रजिस्टर ROC के पास होता है। ROC कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो हमारा एक मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री का नाम है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अंदर ना बहुत सारे रीजनल डायरेक्टर्स आते हैं, उसके अंदर अगर एक स्टेट के अंदर भी रहते हैं बहुत सारे अथॉरिटीज, और सबसे नीचे पायदान वाला अथॉरिटी है ROC। ओके, वो कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करता है, वो कंपनीज का जो भी कुछ इंटीमेट करना हो कंपनीज लोग को, वो यहां से ROC से होता है ना। ROC इज द फेस और इट इज द माउथपीस ऑफ द MCA। MCA को कुछ भी करना है लोअर लेवल में, तो वो आगे आगे बढ़ा के कहां पे लाके छोड़ेगी, ROC में। तो ROC को थोड़ा याद रखना। नाउ ये स्टेज में तुम लोग ROC में जाकर अप्लाई करोगे कि हम ये नाम से खोलना चाहते हैं बिजनेस। अगर वो नाम अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अलग बात है ना। फिर तुम लोग अपना मेमोरेंडम एसोसिएशन आर्टिकल्स वो ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जितने भी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस होता है, सब जाके पेमेंट फी के साथ जमा कर देते हो। उसके बाद ROC को अगर सेटिस्फाइड लगा तो वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद है फ्लोटेशन स्टेज। ओके, और इसको और भी हम नाम दे सकते हैं कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ओके, इसमें इसके बाद क्या होता है, तुम लोग सेबी का अप्रूवल लेके प्रोस्पेक्टस, ये नाम याद भी रखो प्रोस्पेक्टस, इसका ना इसका भी थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। प्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट मतलब देखना, प्रो मतलब आगे, तुम लोग का विजन क्या है, कौन सा विजन, फ्यूचर विजन क्या है, ये तुम एक किताब बना के या कुछ भी बना के, एक मेटल बना के तुम लोग पब्लिक को देते हो। पब्लिक उसको रीड करती है, उसको एनालाइज करती है, और तुमको फिर क्या करती है, पैसा देती है, अप्लाई करती है कि हमको भी आपका, आपकी कंपनी में शेयर चाहिए सर, अच्छा चाहिए, आपका कंपनी अच्छा है, आपका कंपनी का फ्यूचर अच्छा, विजन अच्छा है, हमको भी एक छोटा सा हिस्सा दे दो, है ना। तो ये होता है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस का काम यही है। देन आखिर में आएगा क्या, इतना तो सब हो गया, पैसा मिल गया हमको, हम कॉमेंस करते हैं, कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं, बिजनेस को हम लोग शुरू करेंगे। ओके, इसमें क्या होता है, ROC चेक करेगा कि तुम लोग जो पब्लिक से पैसा मांगने गए थे वो मिनिमम आया है कि नहीं आया है। उसके बाद क्या होगा, तुम लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट किए हो कि नहीं, डायरेक्टर्स जो रहते हैं। अच्छा, डायरेक्टर मतलब क्या, इसको देखते हैं अभी कहाँ कहाँ चला चला गई, सॉरी थोड़ा देखो। ओहो, तुम लोग ना इसको लेना है स्क्रीनशॉट के हिसाब से, मैं इस तरफ का थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, ये सब तो जरूरी नहीं है इतना, ये तो लैंग्वेज है, पता ही चल जाएगा तुम लोग। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, डायरेक्टर्स, ओके, डायरेक्टर्स कौन है, जो लोग डायरेक्शंस दिखाते हैं कंपनी को कि किस दिशा में कंपनी जाएगा, है ना। डायरेक्टर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम का बात करते हैं, 1 पर्सन कंपनी,
प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कितने होते हैं बताओ रे? इसमें वन, इसमें टू, इसमें थ्री। ओके, इसको याद रखो थोड़ा। ओके ठीक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। एंड आई होप जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। सर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। वन मिनट। नंबर सेव कर लो। है अभी यस बात। सर। यस तुम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग है ना अभी? सर है। हाँ, तो और एक मीटिंग को वहां से तुम लोग ज्वाइन करो, है ना? ज्वाइन करोगे, रुको, दो और 2-3 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद वो वाली क्लास में जाएंगे, वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ओके ठीक है। ओके, तो ठीक है। तो बहुत ही कम बता पाया मैं, बहुत सारा बताना चाहता था। एक क्लास तो मिस हो गया अपना, वो पहले से शेड्यूल्ड है, हम ज़्यादा क्लास ले भी नहीं सकते। तो ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा पढ़ो इसको ना, आज गो थ्रू करो जो भी है यूनिट, ब्लॉक वन को पूरा गो थ्रू करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या है ना, ये पुराना वाला है, ये नया वाला नहीं है शायद। शेयर कैपिटल मतलब क्या है ना, यही सब चीजें। सर हाँ एक ग्रुप बना लेते व्हाट्सएप में तो अच्छा होता, वहीं पर आप शेयर कर देते जो भी इम्पोर्टेंट होता। चैट बॉक्स में है शायद सब लोग के नंबर्स, तो हाँ सर है मेरा नहीं। ना, टेक द स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके उसको ग्रुप बना लो। मेरा भी नंबर मिल चुका था उन लोग को। ओके, और फिर हम लोग करेंगे उसमें जो भी बात करना है ठीक है ना। सर मैं बना लूंगी। हाँ, कौन कौन वर्किंग हो यहाँ से, यहाँ पे कौन कौन वर्किंग जो काम पे हो? ये जो है जयंत मलाकर, हाँ अभिजीत, ओके अभिजीत अभिजीत अविनाश। अरे म्यूट कर रही। तो जो लोग वर्किंग हो, तुम लोग को बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, पढ़ो रोज पढ़ो, ऐसा मतलब गैप मत दो, और खास करके अकाउंट्स रोज पढ़ो। इग्नो है ना, ये सेंटर में कुछ मतलब इधर उधर भी नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम्स होते हैं, अच्छे से देख के करो। ओके जी ना, सर। ठीक है। और थोड़ा देखते हैं क्या है। वन मिनट, लेट मी, ठीक है। तो कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। शेयर कैपिटल के कैटेगरीज अलग होते हैं, शेयर कैपिटल शेयर्स के अलग होते हैं, वो तो अभी नहीं बता पाऊंगा, और मैं फिर भी यहाँ थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखो, हमारा जो है टोटल, हम उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तुम लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे जाके आरओसी में, एक डॉक्यूमेंट होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें तुम लोग लिख दे रहे हो कि तुम्हारा शेयर कैपिटल तुमको कितना चाहिए। मान लो तुम लोग लिख दिए हो 2000 करोड़, वो तो अगर आरओसी मान गया हाँ चलो उतने में बना सकते हैं हम लोग, तो वो तुमको क्या कर देगा, ऑथराइज कर दिया कि हाँ तुम लोग बनाओ 2000 करोड़ का एक रेज करो, जो भी कितना पैसा रेज करना है। तो जितना तुम लोग के एमओए में लिखा हुआ है और वो एमओए ऑथराइज है, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। और ऑथराइज में से सब, तो 2000 करोड़ तो अभी के अभी नहीं चाहिए ना, तुम कुछ इशू करोगे, कुछ अन इशू करोगे, कुछ रख दोगे,
जितना तुम इशू करोगे वो हो गया इशूड शेयर कैपिटल, और जितना तुम इशू छोड़ दे रहोगे बाकी बात के लिए उसको हम बोलेंगे अनइशूड। इशू जितना भी तुम कर रहे हो, एक मिनट उस हिसाब से है तो, हाँ इशू जितना भी तुम कर रहे हो सब सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं पता नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन का या सब्सक्राइब का माने में बता दे रहा हूं। स्क्राइब मतलब ना लिखना है ना, जैसे तुम लोग लिखाते हो ना, नाम लिखाते हो, ओके। जैसे तुम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, अपने नाम लिखाते हो वहां पे, ओके। स्क्राइब मतलब याद रखना क्या, टू राइट डाउन। तो सब्सक्राइब मतलब क्या, तुम ना कंपनी में जाके अपना नाम लिखा लिया, हाँ हम भी एक शेयर कैपिटल और हम भी एक शेयर होल्डर हैं, तो कुछ होगा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और जो बाकी बच गया वो हो जाएगा अनसब्सक्राइब्ड। फिर कंपनी तुमको पैसा मांगेगी कॉल करके, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और बाकी जो बच गया वो हो गया ऑन कॉल्ड। जितना पैसा मांगेगी तुम लोग दे, कुछ दिए रहोगे कुछ नहीं भी दिए रहोगे, जितना दे दिए उतना हो गया अपना पेड अप शेयर कैपिटल, और जितना नहीं दिए हो वो है अनपेड शेयर कैपिटल। हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आज की क्लास में इतनी कर पाएंगे, 5 बज चुका है। इसका भी ले लो। ठीक है, ये मीटिंग, ये लिंक छोड़ के वो दूसरे वाले लिंक में ज्वाइन कर लो बच्चों, है ना, उसमें देखते हैं क्या कैसे हो रहा है, उसमें टाइम कम मिलेगा है ना, उसी हिसाब से करो, उसी हिसाब से सब ज्वाइन कर लेना जल्दी जल्दी। कितने हो, 10 बच्चे हो ना, ठीक है ठीक है। वो तुम्हारा है ना कॉस्ट अकाउंटिंग, बीसीओसी 138 तुम लोग का है क्या, हो किसी और का है? नहीं सर, हमारा जी सर। तुम लोग का है ना कॉस्ट अकाउंटिंग, जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरे वाले लिंक से ज्वाइन करो, वहां से ओके पढ़ते हैं सर। फिर, ओके ओके।